लॉकडाउन में बाकी सब लोग लॉक हो गए, सबने सोचा कि अभी बाद में जिंदगी शुरू करेंगे, लेकिन प्रसून जोशी की कलम नहीं रुकी। जी, उसके बाद मैंने हम हार नहीं मानेंगे किया। उसके बाद अभी हम लोगों ने एक गीत किया है, शंकर महादेवन जी ने उसको कंपोज किया और मैंने लिखा, जय तू भारतम। ये भी ज़रूर आप सुन सकते हैं, 200 सिंगर्स ने गाया है इसको। ये 18 भाषाओं अच्छा। में गाया गया है देश की, आपको हर भाषा इसमें मिलेगी। और इसका हल्का सा मैं आपको जो वो है जो थॉट वो है कि विश्व प्रेम की ओढ़ चदरिया सच्चे सुर में गाता है, एक सुरीली आशा लेकर सूरज नए उगाता है, जागा हुआ भारत है ये, जागा हुआ भारत है ये, जय तु भारतम, जय तु भारतम, वसुधैव कुटुंबकम, जय तु भारतम। ये आप सुनिए इस गीत को, मैं चाहूँगा आप इसको सुनेंगे। और इसमें मैंने कई जो जो भारत के अंदर जो काबिलियत है कि मुझे लगता है कि एक ही ऐसा विश्व में देश है जो पूरे विश्व की बार बार उसके के लिए मंगल कामना करता है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय अंधकार को जीते मन, यही प्रार्थना करता भारत विजयी भव मानव जीवन, तमसो माँ ज्योतिर्गमय अंधकार को जीते मन, यही प्रार्थना करता भारत विजयी भव मानव जीवन, विश्व प्रेम की ओर चदरिया सच्चे सुर में गाता है। तो ये मैंने इसमें लिखा है, इसे इस गीत को जरूर सुने। और ये सुनने लायक चीज है क्योंकि इतने सारे सिंगर्स ने लॉकडाउन के दौरान अपने अपने घरों से गाकर भेजा है और इसे शंकर महादेवन जी ने कंपोज किया और उनके साथ श्रीनिवास जी ने मिल करके इसको सबको असेंबल किया है और उसको वीडियो भी उसका शूट हुआ है। और ये एक मैं ये कहता हूँ कि यही देखिए, मानव जो है ये हार नहीं मानता है किसी भी तरह से, ये एक ऐसी बात है, रेजिलियंस है कि कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है कि वापस बाउंस बैक करेगा। और मैं आशा ये करना चाहता हूँ कि वो जो बाउंस बैक करे वो एक नए जोश के साथ करे और जो चीज़ें गलत हुई हैं उनको ठीक भी करे, क्योंकि प्रकृति एक संदेश दे रही है आपको, प्रकृति आपसे कुछ कह रही है कि मुझसे लड़ो मत, मुझसे प्रतिद्वंद्विता मत करो। ठीक है एडवेंचर स्पोर्ट, मैं तो एडवेंचर स्पोर्ट्स का मतलब ही नहीं समझता था श्वेता जी, जब मैं पहाड़ में था मुझे तो नदी के सामने बस नतमस्तक होने का मन करता था कि इससे लड़ूंगा और इस पर व्हाइट वाटर राफ्टिंग करके दिखा दूंगा। ये बाद में मुझे लगा कि प्रकृति से लड़ना और उससे जीतने में कुछ सुख भी है, उससे जीतने में कोई सुख नहीं है, उसके नर्चर होने में, उसकी उदारता में, उसके कोप को मत आप उकसाइए। तो कहीं हमें कुपित प्रकृति मिली, वो कुपित प्रकृति नहीं चाहिए, हमें मेहरबान प्रकृति चाहिए जो हमें प्यार करे, दुलारे, और उसकी उसका दुलार चाहिए, उसका आशीर्वाद चाहिए। इसलिए उसके साथ और भारतीय संस्कृति जो है आपको लगातार सिखाती है हाउ टू बी इन हार्मनी विद नेचर। जो हमारे सामने एनवायरमेंटल सवाल भी खड़े हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं कि हम प्रकृति को बीट करने की कोशिश करते हैं, प्रकृति के ऊपर वन अपमैनशिप दिखाने की कोशिश करते हैं, जीतने की कोशिश करते हैं। क्या जीतेंगे आप प्रकृति से? जो आपकी माँ है वो आपको नर्चर करे, उसके उसे प्रणाम करना चाहिए, उसका आशीर्वाद हमें चाहिए, हमें उससे प्रतिद्वंद्विता नहीं करनी चाहिए। तो ये संदेश लेना, और हम जो एक दूसरे से हमारा जुड़ाव है, आज दूरियों की हम बात करते हैं लेकिन मुझे लगता है और पास आने की आवश्यकता है एक दूसरे के। वो सब चीज़ें हम सीखें अगर इस पूरे पूरे जो कोविड प्रकरण से और कोविड संकट से, तो शायद मानव जाति का भला होगा और हम बेहतर बनेंगे।